अरे यार ये हम लोग कहाँ पे आ गए? अच्छा अच्छा समझ में आ गया, अभी बाहर निकलते हैं गाइस यहाँ से। ऐसा लग रहा है नींद से जाग रही है हमारी लोकोमोटिव। ब्रेक्स कहाँ गया गाइस? ये रहा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस आज आप सभी का फिर से स्वागत है रेलवर्क्स के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस आज हम लोग चलाने जा रहे हैं 12058 न्यू दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि हमारे नैतिक भरद्वाज जी ने बनाया है। यानी ये सिनेरियो हमारे नैतिक जी ने बनाया है, और मैंने सुना है कि ये काफ़ी बेहतरीन सिनेरियो बनाते हैं। एक बार एक काम करते हैं, डोर्स ओपन कर देते हैं। ये देखो ये कैसे ये पैसेंजर टेलीपोर्ट होके आ गया मेरे बिल्कुल सामने में। खैर जो भी है भाई, एमएसटीएस से थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि एमएसटीएस में एकदम बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म्स लगते हैं जिससे फील ही खत्म हो जाता है। खैर अभी आप लोग सामने देख सकते हैं, हम लोगों को मिला है आज डीजल लोकोमोटिव गजराज का WDM 3D। और यहाँ सामने से देखिए एक ट्रेन का अराइवल होने वाला है। तो गाइस पता नहीं कौन सा ट्रेन है, मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, बांदा छत्तीसगढ़ वाया चंडीगढ़ स्पेशल, ये कोई स्पेशल ट्रेन है जो कि अराइव कर रही है। इसका आप लोग देख लीजिए क्रॉसिंग, क्या फील है गाइस। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल रियल वर्ल्ड में किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ, और एकदम से ट्रेन धीरे धीरे अराइव कर रही है चंडीगढ़ के स्टेशन पे। हाँ बाय द वे, चंडीगढ़ जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। और चंडीगढ़ से अगर आप में से कोई हो तो मेरे को कमेंट से बता सकते हो। तो ये LHB ट्रेन जैसे अराइव कर जाएगी उसके बाद हमको सिग्नल मिल जाएगा, हमारा ट्रैक्स क्लियर भी हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे देखो सिग्नल मिल चुका है, येलो सिग्नल मिला है। चलिए जल्दी से लोकोमोटिव को बोर्ड करते हैं। ये रहा हमारा लोकोमोटिव, और आज आपको पहली बार मेरे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है एक तगड़ा सा एल्को लोकोमोटिव, यानी डीजल वाला एक्शन। तो चलिए फिर डिपार्ट करवाते हैं ट्रेन को, अंदर में चलते हैं। पहले ये आ चुके हैं हम लोग अंदर में, अभी एक ब्रेक्स को पहले रिलीज कर देते हैं गाइस। ये है आपका ब्रेक्स जो कि मैंने रिलीज कर दिया है, और यहाँ पे जो आपका रिवर्सर है उसको मेरे को फॉरवर्ड में करना है, जो कि यार ऑलरेडी फॉरवर्ड में किया हुआ है। अभी एक लंबा सा हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न वाला स्विच कहाँ गया? चलो यार ये वाला हॉर्न बजा देते हैं। चलो यार अभी थ्रॉटल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और देखो यार कितना खतरनाक वाला स्मोक निकला, आपने देखा क्या गाइस? देखो यार अभी भी निकल रहा है। ओ वाह यार ये जो नज़ारा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल वर्ल्ड में मैं एकदम लोकोमोटिव के पास में खड़ा हूँ। और जो हॉर्न है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हॉर्न है जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है। थोड़ा सा थ्रॉटल को हम लोग आगे इंक्रीज़ करते हैं, और स्मोक देखो यार आप लोग, स्मोक देखो कितना ज़्यादा रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है स्मोक। कभी कभी रुक रुक के जैसा स्मोक निकलता है ना, वैसे ही यहाँ पे गेम में भी निकल रहा है। और जो साउंड है आप लोग ज़रा उसका भी इंजॉयमेंट लीजिए, आज आपको भरपूर आनंद आ जाएगा इस गेम को। मैं जो खेल रहा हूँ, मैं जो जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, आपको पूरा एक्सपीरियंस आज मैं दिला दूंगा। थ्रॉटल को मैं अब 0 पे कर देता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ का 20 का लिमिट है। वैसे चंडीगढ़ से हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं, और आसपास के नज़ारे के बारे में अगर बात करें, और ये मैडम जी यार आपको ट्रेन बोर्ड करना था, आपने ट्रेन क्यों नहीं बोर्ड किया? खैर जो भी हो, यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेट ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, कोई स्टैटिक ICF कोचेस यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलो गाइस हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं, और यहाँ से आप लोग ज़रा नज़ारा देखिए। मैं काम करता हूँ, ये सामने वाले जो व्हाइट कलर के मार्कर लाइट्स होते हैं ना, मैं इसको ऑन करके आता हूँ। ये देखो लेफ्ट साइड में गरीब रथ के कुछ कोचेस का देखभाल किया जा रहा है, और कुछ ICF कोचेस है, कुछ गरीब रथ के कोचेस है, और वहाँ पे देखिए WAP 5 WAG 7। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप ऐसे दिखा के आता हूँ। ये एक WAP 4 है, उसके साथ में एक WAP 5, और यहाँ पे एक WAG 7 है जो कि बिल्कुल आउटर पे वेट कर रहे हैं अपने अगले ड्यूटी के लिए। चलो अब ट्रेन को हम लोग पकड़ लेते हैं, और यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए, अभी हम लोग एक्सेलरेशन करेंगे गाइस। और जो चगिंग साउंड्स है आप लोग ज़रा इसका एंजॉयमेंट लीजिए। और बाकी डोर व्यू मेरे को अभी तक मिला नहीं, पता नहीं यार डोर व्यू का क्या सिस्टम है, मेरे को अभी भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि डोर व्यू कैसे लाना होता है इस गेम में। बाकी आप लोग सामने में देख लीजिए, हमको ग्रीन सिग्नल मिला है, और बहुत जल्द गाइस सामने में हमको 140 का स्पीड लिमिट मिल जाएगा, इसीलिए मैं थ्रॉटल को इंक्रीज कर रहा हूँ। और आप लोग ज़रा यहाँ से क्रॉसिंग देखते रहिए कि हमारा ट्रेन का जो क्रॉसिंग है वो कैसा लग रहा है। ये वाला हॉर्न काफ़ी तगड़ा है गाइस, वाह यार एकदम बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है। नीचे से देखिए गाइस कोई एक हाईवे जा रहा है, और हम लोग धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं हमारे अगले हॉल्ट को, जो कि है आपका अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमको अराइव करना है सुबह के 8:11 पे।
और अभी का टाइम कितना हो रहा है गाइस? पता नहीं है अभी का टाइम कितना हो रहा है। अम्बाला कैंट आने में 43 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी का टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7:38। अच्छी बात है, अभी मैं लोकोमोटिव के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए यार, ये वाइपर्स किसने ऑन किया? लगता है मैंने गलती से ऑन कर दिया इसको। और अभी गाइस हम लोग इंक्रीज़ करते हैं हमारे स्पीड को, क्योंकि ऑलरेडी हमको स्पीड लिमिट अभी मिलने ही वाला है। वैसे मिल भी जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। अभी आप लोग चगिंग साउंड सुनो गाइस, चगिंग साउंड्स पे सर आप लोग ध्यान दो, आप लोग चगिंग साउंड्स पे एंजॉय करो। साउंड कैसा लग रहा है गाइस? आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो आसपास में कितने सारे बिल्डिंग्स वगैरह मेरे को दिखाई दे रहे हैं, और बाकी इस साइड का जो नज़ारा है ये कुछ कुछ फॉरेन टाइप का लग रहा है, लेकिन इस साइड वाला नज़ारा कुछ हद तक इंडिया वाला फील आ रहा है इसमें। बाकी आप लोग चगिंग साउंड, और हम लोग एक कर्व पे जा रहे हैं गाइस, शायद से आपको स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, स्पीड लिमिट यहाँ पे 140 का ही है, लेकिन सामने में जो है 90 का लिमिट आ रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड अप तो कर नहीं सकते। अरे हम लोग 130 में पहुँच चुके हैं। वाह भाई, WDM 3D तो काफ़ी पावरफुल है गाइस। यहाँ पे थोड़ा बहुत हैंग चल रहा है, यहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग से होकर अभी हम लोग गुजर रहे थे जहाँ पे थोड़ा बहुत हैंग हो रहा था। और चलो गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे जन शताब्दी के इंटीरियर पे। उससे पहले मैं ब्रेक्स लगा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सामने का स्पीड लिमिट 90 का आ रहा है, तो मैंने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया है। भले ही ब्रेक साउंड से सुनाई नहीं दे रहा है, ब्रेक्स कहाँ गया गाइस? ये रहा, अभी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा गाइस ब्रेक्स वाला। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, कितना ज़्यादा मस्त और प्यारा सा व्यू लग रहा है यहाँ से, एकदम रियल वर्ल्ड जैसा व्यू लग रहा है। चलो यार ब्रेक्स को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, ब्रेक्स को हमने रिलीज़ कर दिया, एक बार हॉर्न बजा देते हैं हम लोग यहाँ से। बाकी हम लोग ये विंडो खोल सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार। हाँ गाइस चलो, विंडो भी हमने खोल दिया बिल्कुल, और उस साइड वाला विंडो भी शायद से हम लोग खोल सकते हैं। अभी हम लोग कर्व से होते हुए जा रहे हैं, और स्क्रीचिंग साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं क्या? मेरे को ट्रैक्स में स्क्रीचिंग साउंड्स भी आ रहे हैं। थ्रॉटल को यार थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, स्पीड कुछ ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है यहाँ पे। गाइस आप लोग ना ज़रा एक बार ऐसे क्रॉसिंग देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, और आप लोग बताना कैसा लग रहा है आपको। ये वाला नज़ारा कैसा लगा गाइस? यहाँ से देखिए एक हाईवे जा रही है छोटी मोटी सी, और हमारा क्रॉसिंग चल रहा है वहाँ पे, एकदम बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है ये क्रॉसिंग। चलो अब हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं गाइस। लगता है सामने में कोई ब्रिज वगैरह होगा, जिसके चलते 60 का लिमिट मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, पता नहीं यार क्या है। खैर जो भी है, हम लोग चलते हैं। और गाइस हम लोग 120 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 120 तक ही रखेंगे हमारे स्पीड को। तो गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जन शताब्दी के इंटीरियर पे। ये आ चुके हम लोग जन शताब्दी एक्सप्रेस के इंटीरियर पे, और यहाँ से भी आप लोग ज़रा नज़ारे का इंजॉयमेंट ले लीजिए। और ये हम लोग लेफ्ट साइड वाले सीट पे हैं, अभी हम लोग राइट साइड वाले सीट पे चलते हैं। और इंटीरियर देखो यार, कितना मस्त वाले इंटीरियर है आसपास में, एकदम रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है गाइस? गाइस मैं आपको एसी वाला इंटीरियर भी दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, पहले आप लोग यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। और स्पीड हमारा गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं 120 पे। अब धीरे धीरे करके थ्रॉटल को मैं रिड्यूस करता हूँ। यहाँ से जो हॉर्न है ना गाइस, उतने अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्पीड हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है वैसे। और एक बार बाहर के साइड में चलते हैं गाइस। ये देखो गाइस यहाँ पे क्रॉसिंग होने जा रहा है, और काफ़ी तगड़ा वाला हैंग भी हो रहा है यहाँ पे। किसी फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है हमारे राइट साइड से। और जो ब्रिज वाला साउंड है ना गाइस, ये भी काफ़ी मस्त वाला साउंड आ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे 60 का था गाइस, मैं पहले कह रहा था ना, शायद से कोई ब्रिज वगैरह आने वाला है, जिसके चलते जो स्पीड है इतना ज़्यादा रिड्यूस करके रखा है। स्पीड भी हमारा काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रहा है यार। ये अल्को लोकोमोटिव काफ़ी कमाल की है गाइस, जितनी जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन करती है उतनी ही तेज़ी से ब्रेकिंग भी करती है। यहाँ पे कोई बास वाला लोकोमोटिव खड़ी है, और एक स्टैटिक ICF कोच मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये क्या गाइस, यहाँ पे 20 का लिमिट दिखा रहा है, और ये कौन सा स्टेशन से होके हम लोग गुजर रहे हैं पता नहीं। एक बार गाइस मैं रीड करके आता हूँ ये स्टेशन कौन सा है।
घग्गर, घग्गर स्टेशन को हम लोग काफी स्लोली स्लोली क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ कुछ पैसेंजर्स देखो आसपास में टहल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे एकदम रेल फैन जैसे ट्रेन का क्रॉसिंग का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। बाकी आप लोगों को नज़ारा कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स में। और ये देखो ये जा रहे हैं एसी वाले कोचेस। चलो यार मैं अभी आपको एसी वाले कोचेस का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखो लेफ्ट साइड से आपने नोटिस किया क्या, ये कोई बीटी पेन वाली फ्रेट ट्रेन है जिसको कि हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं। मैं काम करता हूँ गाइस, आपको मैं सामने से दिखा के आता हूँ। थ्रॉटल को मैं रिड्यूस कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से आप लोग देख लीजिए लोकोमोटिव इसका कौन सा लोकोमोटिव है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई एल्को लोकोमोटिव है शायद से, क्योंकि मुझे यहाँ से उसका साउंड सुनाई दे रहा है। ये देखो ट्विन एल्को लोकोमोटिव्स लगा हुआ था इस बीटी पेन फ्रेट ट्रेन का। और इस साइड में कोई एक ट्रेन खड़ी है, पता नहीं कौन सा ट्रेन है। चलो गाइस मैं आपको अभी एसी वाले कोच पे लेके चलता हूँ। ये क्या गाइस, एसी वाले कोचेस का तो इंटीरियर शायद से हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा तो ये आ चुके हम लोग गाइस डोर व्यू पे। फाइनली गाइस मैंने डिस्कवर कर लिया है कि कैसे डोर व्यू को लाना है। गाइस एरो वाले कीज से हम लोग डोर व्यूज तक पहुँच सकते हैं, तो वही मैं सोच रहा था यार डोर व्यू का कुछ ना कुछ ऑप्शन तो होगा ही। ये देखो फाइनली हम लोग गाइस डोर व्यू पे पहुँच चुके हैं और आसपास का नज़ारा आप लोग देखते रहिए, एकदम रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है नज़ारा। क्योंकि यार ये है रियल वर्क्स, इसमें जो चीज़ें हैं इसमें जो फील आपको आएगा ना एकदम रियल वर्ल्ड जैसा आएगा। और अभी तो रुको, अभी आगे मैं आपको ऐसे ऐसे रूट्स दिखाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे रूट्स पे जर्नी करके दिखाने वाला हूँ जिससे यार आप लोग कहोगे हम तो एकदम पता नहीं किस दुनिया पे हम लोग खो चुके हैं, सब कुछ देखने में असली लगेगा वहाँ पे। क्या जो भी है वो रूट्स पहले मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको वो सब रूट्स दिखा पाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो रूट्स साउथ साइड के होंगे। तो यार आप में से जो लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब साउदर्न साइड का जो है वो एक्शन आने वाला है, तो यार आपके लिए बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा एक्शन। बाकी 140 का लिमिट हमको फिर से मिल चुका है, जल्दी से जबरदस्त वाला चगिंग करते हैं गाइस। अरे यार ये हम लोग कहाँ पे आ गए? अच्छा समझ में आ गया, अभी बाहर निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग होने जा रहा है, मैं देख लेता हूँ ये कौन सा ट्रेन है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। वाह यार क्या गजब का क्रॉसिंग है गाइस। क्रॉसिंग कैसा लगा गाइस आप सभी को? वैसे पीछे में गार्ड जी थे क्या? नहीं शायद से गार्ड जी नहीं थे गाइस। बाकी आप लोग ये वाला नज़ारा देखो, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हम लोग पहुँच चुके गाइस। अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग अभी क्रूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ में। यहाँ से जो हॉर्न है ना ये ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए, कैब राइड काफ़ी देर हो गया मैं आपको दिखाया नहीं। पीछे वाला दरवाज़ा खोल सकते हैं क्या गाइस हम लोग? एक बार ट्राई करते हैं। वाह यार ये भी खोल सकते हैं हम लोग। और ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं शायद से ये नहीं कर सकते। और ऊपर में ये फैंस है, ये फैंस को कंट्रोल कर सकते क्या हम लोग? शायद से नहीं गाइस, शायद नहीं कर सकते। अरे एक मिनट, अच्छा इसको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको चला नहीं सकते क्या? पता नहीं यार, जो भी हो हम लोगों को गाइस अभी तक तो सिग्नल शायद से ग्रीन ही मिला होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, ट्रैक मॉनिटर शायद से यही है इसका। ट्रैक मॉनिटर मतलब ऐसा होता है जो कि 9 प्रेस करने से आता है। ये देखो हमको सिग्नल यहाँ पे ग्रीन ही मिल के रखा है। चलो यार वापस से गेम में लौटते हैं हम लोग। ये देखिए एक स्टेशन पर भी हम लोग स्किप कर रहे हैं, कौन सा स्टेशन है गाइस? ये देखिए कोई कोई पैसेंजर्स है जो कि आसपास में टहल रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देख लीजिए आप लोग गाइस, मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये आखिर कौन सा स्टेशन है जिसको कि अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं इतना ज्यादा स्पीड से। दप्पर स्टेशन को भी हम लोग कर रहे हैं स्किप, वो भी काफी तेजी से गाइस। अब ट्रेन को पकड़ लेते हैं, स्पीड लिमिट यार काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का जो नज़ारा है कैसा आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। हम लोग यार थोड़ा सा स्लोप और ग्रेडियंट के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। देखिए यार अभी थोड़ा सा हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है गाइस, कितना मस्त वाला नज़ारा लग रहा है यार। आप लोग सामने में देख लीजिए, नीचे में जो वाटर का टेक्स्चर है ना इसको भी देख लीजिए, कितना ज़्यादा रियल जैसा लग रहा है। अरे यार एक ट्रेन का क्रॉसिंग हो गया, मैं आपको दिखा नहीं पाया, पता नहीं कौन सा ट्रेन था इसका, शायद से बैप 5 लोकोमोटिव लगा हुआ था। और ये वाला देखिए यार, ये छोटा मोटा सा कोई पॉन्ड जैसा लग रहा है लेकिन इसका जो टेक्सचर है कितना ज़्यादा रियल लग रहा है यार। आसपास का सीनरी का तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी हमारी गजराज WDM 3D काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे जनशताब्दी एक्सप्रेस को आगे बढ़ा रही है और वो भी काफ़ी तेज़ी से। एक और स्टेशन आ रहा है गाइस सामने से देख लीजिए, इस स्टेशन को हम लोग करने वाले हैं स्किप। पता नहीं यार कौन सा स्टेशन है,
आप लोग अगर नेम पढ़ पा रहे होंगे तो मेरे को जरा बता देना कमेंट्स में। यहाँ पे देखिए एक MEMU ट्रेन को हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं, मेमू ट्रेन है, मेमू ट्रेन को कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ओवरटेक। और हम लोगों को मिला है यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल। और एक सेकंड, लेफ्ट साइड में कोई एक लोकोमोटिव मेरे को नजर आ रहा है, ये भी WDM 3D या फिर 3A हो सकता है। और एक EMD लोकोमोटिव भी था गाइस। एक और लेवल क्रॉसिंग, देखो यार गाड़ियों का लाइन लग चुका है, ये कोई टाटा मैजिक हो सकता है सामने वाला जो गाड़ी है। गाइस ऐसा नहीं लगा कि यार गाइस एकदम रियल वाली फील आ रही है, मैं आपको पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एकदम रियल वाली फील आ रही है। वापस से डोर व्यू पे हम लोग आ चुके हैं और ये एक और लेवल क्रॉसिंग। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक और क्रॉसिंग होने जा रहा है, ये 12145 पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें कि एल्को लोकोमोटिव के साथ साथ में EMD लोकोमोटिव भी लगा हुआ था। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये दोनों लोकोमोटिव को एक साथ में क्यों यूज किया है, मतलब दोनों ही अलग अलग लोकोमोटिव्स हैं। बाकी हम लोग एक कर्व पे होते हुए जा रहे हैं, अभी हम लोग इसका भी नज़ारा आप लोग देख लीजिए, हॉकिंग काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है गाइज, क्या कहते हो गाइज आप लोग। बाकी आसपास का सीनरी आप लोग देखते रहिए। और ये एक और स्टेशन को अभी हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं और लगता है गाइज यहाँ पे कोई एक ट्रेन रुकी हुई है, मैं हॉन्क मारते हुए निकल लेता हूँ यहाँ से। पता नहीं अरे कौन सा ट्रेन है, इसका नेम तो वैसे लिखा नहीं हुआ है। काफ़ी गिने चुने पैसेंजर्स है जो कि प्लेटफॉर्म पे आसपास में टहल रहे हैं। और बाकी इस ट्रेन को हम लोग यहाँ से ओवरटेक मार रहे हैं, हमारा सिग्नल क्या है गाइस वैसे। अच्छा इसका भी डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है, क्या बात है यार, इस साइड में बहुत सारे डीजल लोकोमोटिव वाले ट्रेन मेरे को नज़र आ रहे हैं, पता नहीं यार क्या हुआ होगा। ये देखिए दो दो एल्को लोकोमोटिव यहाँ पे भी है, और ये पता नहीं कोई वेयर हाउस टाइप का कुछ होगा। एक बार इस साइड का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, राइट साइड के ट्रैक का सिग्नल अभी रेड है, देखते कब तक हमको दूसरा वाला ट्रेन देखने को मिलता है। तब तक आप लोग एक कैब राइड से नज़ारा देख लीजिए। एक काम करता हूँ गाइस, मैं ये वाला विंडो भी खोल देता हूँ, ये वाला विंडो को भी हम लोग पूरा ओपन कर चुके हैं। और कैब से जो नज़ारा है ना गाइस, इसका भी एक अलग ही फील है, क्या कहते हैं, इसका भी एक अलग ही फील है। यहाँ पे देखिए सिग्नल हमको पूरा ग्रीन मिल के रखा है। और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8 बजे, हम लोग बहुत जल्द अम्बाला कैंट पे पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं है गाइस, 5 किलोमीटर के आसपास बाकी है अभी अम्बाला कैंट आने में। और वहाँ पे हमको 8:11 पे एंटर करवाना है, तो देखते हैं गाइस शायद से टाइम पे हम लोग चले जाएंगे, टाइम पे शायद से हम लोग एंटर करवा लेंगे हमारे ट्रेन को। तो गाइस सामने यहाँ पे 20 का लिमिट आ रहा था, तो एक काम करते हैं हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं, लोकोमोटिव का थ्रॉटल को पूरा 0 पे कर देते हैं और ब्रेक्स को धीरे धीरे अप्लाई कर देते हैं हम लोग। और यार सिग्नल भी यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, तो क्या हमको यहाँ पे रोकना पड़ेगा ट्रेन को, समझ में नहीं आ रहा है गाइस, हो सकता है गाइस हमको यहाँ पे ट्रेन को रोकना पड़े। मैं लोकोमोटिव के अंदर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए यार सिग्नल यहाँ पे रेड दिखा रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं गाइस, यहीं पे रोक देते हैं गाइस, क्या कहते हो। तो चलो यार यहीं पे हम लोग रोक देते हैं हमारे ट्रेन को, स्पीड लिमिट आगे का 20 का दिखा रहा है, ब्रेक्स हमने अप्लाई कर दिया है। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग रुक चुके हैं हमारे अम्बाला कैंट के आउटर पे, और पता नहीं यहाँ से कब तक हमको सिग्नल मिलेगा, एक बार देख के आते हैं गाइस। तो ये देखो गाइस सामने से यहाँ से एक ट्रेन आ रही है जिसके चलते हमको सिग्नल नहीं मिला था, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ गाइस, एक मिनट रुक जाओ। और वहाँ पे देखो एक EMD के साथ में एक ICF ट्रेन, और ये जो ट्रेन आ रही है पता नहीं कौन सा ट्रेन है, मैं देख लेता हूँ, शताब्दी एक्सप्रेस, अच्छा शताब्दी एक्सप्रेस है बैफपुर के साथ में, शताब्दी एक्सप्रेस बैफपुर के साथ में डिपार्ट कर रही है अम्बाला कैंट से और हमको क्रॉस भी कर रही है। तो चलो गाइस अभी सामने के साइड में चलते हैं, देखते हैं हमारा सिग्नल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शायद से हो जाना चाहिए। हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दिया गया सिग्नल के ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार लंबा सा हॉर्न बजाते हैं फिर यहाँ से डिपार्ट भी करेंगे, ब्रेक्स को रिलीज कर देते हैं पहले, ब्रेक्स रिलीज हो चुका है और हॉर्न वाला स्विच कहाँ चला गया ये रहा। चलो यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, धीरे धीरे ट्रेन को अराइव करवाते हैं।
अब बाहर की साइड में मैं आपको नज़ारा दिखा के आता हूँ, यहाँ से देख लीजिए तगड़ी वाली जो स्मोकिंग वाला एक्शन है वो आप लोग ज़रा इन्जॉय कीजिए यहाँ से। देखो यार कितना गजब का चकिंग साउंड है गाइस, ऐसा लग रहा है नींद से जाग रही है हमारी लोकोमोटिव। और ये फैन जो चल रहा है इसका भी आप लोग नज़ारा देखो, एकदम रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है एग्जॉस्ट फैन का नज़ारा। और यहाँ से हमारा गाइस ट्रैक चेंज होने जा रहा है, ज़्यादा स्पीड अप तो कर नहीं सकते हम लोग, धीरे धीरे ट्रैक चेंज करते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। मैं गाइस सामने के साइड में चलता हूँ, ये देखो फाइनली यहाँ से हमारा हो चुका है ट्रैक चेंज। पीछे का भी देख लो गाइस आप लोग कैसा लगता है नज़ारा। धीरे धीरे अम्बाला कैंट पे अराइव कर रहे हैं हम लोग, और प्लेटफॉर्म किस साइड में पड़ेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड देखते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। बाकी ये डोर्स ओपनड है, इस साइड में आ जाते हैं गाइस, इस साइड से नज़ारा देख लो आप लोग। वैसे अब यहाँ से 60 का लिमिट दिखा रहा है, चलो यार स्पीड को फिर इंक्रीज करते हैं। अच्छा पीछे पूरा ट्रेन हमारा अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, अभी क्रॉस हो गया, तो यार अभी हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं शायद से। अब चलो यार इंक्रीज करते हैं स्पीड को, एक बार हॉर्न बजा देते हैं यहाँ से, हॉर्न तो सुनाई दे रहा है ना। तो गाइस आप लोग यहाँ से नज़ारा देखते रहिए, स्पीड लिमिट 60 का दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ICF के स्टैटिक रेक्स रखे गए हैं, और उस साइड में एक LHB का रेक भी था आपने नोटिस किया होगा, और इस साइड में एक BTPN फ्रेट ट्रेन रुकी हुई है। और ये नज़ारा देखो यार, सही में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई बड़ी सी स्टेशन आ रही है। थ्रॉटल को यार 0 पे कर देते, स्पीड लिमिट तक हमने पहुँचा दिया है ट्रेन को। अब मैं लोकोमोटिव के पास से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो हल्का फुल्का कर्व से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग यार एंटर करने वाले हैं, अभी आप लोग सामने देख ही सकते हो प्लेटफॉर्म से यहाँ से नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, वो देखो यार प्लेटफॉर्म सामने नज़र आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी नज़र आ रहा होगा। अब चलते हैं डोर व्यू पे वापस से। ये आ चुके गए इस डोर व्यू पे हम लोग वापस से, और वहाँ दूर में देखिए एक EMD लोकोमोटिव, और इस साइड का बाकी का नज़ारा कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए। एक बार राइट साइड का नज़ारा देख लेते हैं, यहाँ पे भी खाली है बिल्कुल। और एक और बार गए ट्रैक चेंज हो रहा है हमारा, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक्स लगा देते हैं, इतने खतरनाक तरीके से ट्रैक चेंज हो रहे यार यहाँ पे। चलो यार हम लोग अपने स्पीड के अंदर में आ चुके हैं, और वहाँ पे देखो एक ICF राजधानी टाइप की कोई कुछ स्टैटिक कोचेस, और साथ साथ में आर्मी वाले स्टैटिक कोचेस भी रखे गए हैं। और फाइनली गाइस हम लोग अराइव कर चुके हैं अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। मैंने ब्रेक्स भी अप्लाई करके रखा है, 30 के अंदर में जा रहे हैं सभी हम लोग। एक बार इस साइड का नज़ारा देख लो, यहाँ पे इस साइड में MEMU ट्रेन मेरे को नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा सामने में जाके हम लोग ट्रेन को रोक देंगे थोड़ा सा, और ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं गाइस, क्योंकि जो सामने वाला रेड सिग्नल है वो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये मैंने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया है, और अभी मैं ब्रेक्स को रिलीज़ भी कर देता हूँ, इतना स्पीड यार सही है। बट पीछे से देख लेते हैं, चलो यार गाइस पूरा ट्रेन हमारा एंटर हो चुका है अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म पे। तो चलो गाइस फिर देर किस बात की यार, रोक देते हैं ट्रेन को। तो गाइस यहीं पे हम लोग रोक देते हैं हमारी ट्रेन को, यहाँ से ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, और आप लोग ज़रा साउंड सुनिए। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट स्टेशन पे। तो गाइस अम्बाला कैंट स्टेशन पे आप सभी का स्वागत है, और देखो यार कितने सारे पैसेंजर्स आसपास में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यार अगर अनाउंसमेंट सुनाई देता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो अभी जो वक्त हो रहा है वो है 8:09, और हमको यार कब तक पहुंचना था यहाँ पे, हमको पहुंचना था 8:11 पे। तो देखो फाइनली हम लोग 2 मिनट पहले अराइव कर चुके हैं अम्बाला कैंट स्टेशन पे। अभी हम लोग चलते हैं यार हमारे लोकोमोटिव के पास में। लोकोमोटिव कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा प्यारा सा तगड़ा वाला लोकोमोटिव, जिसने कि काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हम लोगों को अम्बाला कैंट स्टेशन पे पहुंचा दिया। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को आज का ये एक्शन, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और अगर आप लोग आगे भी रेलवर्क्स के ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बता देना।
और हाँ, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो भाई एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना, और आप यहाँ पे अगर पहली बार एंट्री मार रहे हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, अभी मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी और अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।